इस लड़की से तो एक काम भी नहीं होता है। इससे अच्छी तो तुम्हारी है। दीदी दीदी आपको चोट तो नहीं लगी? चलो चलो कोई बात नहीं, आराम करो, चलते आओ। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, बैठो बैठ जाओ। दीदी बेटा हो जाएगा ठीक। दीदी कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, हो जाएगा ठीक, आप टेंशन मत लो। अरे कोई बात नहीं दीदी, एक डॉक्टर लेके चलूंगा, ठीक हो जाएगा, है ना, अभी मेडिसिन भी लगाएंगे, ठीक है। पूरे घर का काम पड़ा हुआ है और मुझे ही करना पड़ेगा, ये जिन्नी तो करने से रही। जिन्नी कहीं ऐसा तो नहीं काम करने की वजह से आप जानबूझ के गिरी हो? क्या बात कर रही हो सर? मम्मी भी ना मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती है, गिरने के बाद भी मुझसे काम करवाना चाह रही है। मैं भी क्या करूँ, दो दिन बाद नवरात्रि है, एक काम करती हूँ ममता को कॉल कर लेती हूँ, थोड़ी रिक्वेस्ट करूंगी तो आ ही जाएगी। छोड़ो मम्मी, मैं जिस हालत में हूँ ना उसके बाद भी मैं आपका सारा काम ऑन टाइम कर दूंगी, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। तू अपनी तो छोड़, तेरे पापा मुझसे ही लड़ेंगे कि मेरी बेटी के चोट लगी और उससे काम करा रही है। आप जरा अपना फोन दो, मैं ममता को ही कॉल कर दूंगी। अरे हाँ हाँ को, ये लो। हेलो ममता, तुम थोड़ा टाइम निकाल कर आ जाओ प्लीज, नवरात्रि भी है, मुझसे इतना काम नहीं संभलेगा और जीनी भी गिरी पड़ी है। ठीक है आंटी जी, मैं आती हूँ फिर। ओके। खाने साफ करना भी टारगेट है। जिन्नी, ओए जिन्नी, आ रही हूँ मम्मा। हाँ मम्मी। बेटा इस बार नवरात्रि का व्रत आप मेरे साथ रख रहे हो ना, मुझे कंपनी मिल जाएगी और लगे हाथ आपकी डाइटिंग भी हो जाएगी। अरे अरे नहीं मम्मी, मुझसे नहीं हो पाएगा। सही कहा आपने, मैं ही गलत थी जो आपसे पूछ बैठी। आपसे आज तक कुछ हुआ है जो 9 दिनों की फास्टिंग होगी? हो गया वेट लॉस, मुझसे मत कहना।